गुड आफ्टरनून क्लास आज हम पोलर प्लॉट के बाकी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं ओके सो आपको यहाँ पे जो नया क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है जी एस आपको जो ओपन ट्रांसफर फंक्शन है वो दिया है जी एस इज इक्वल्स टू वन अपॉन एस वन प्लस एस वन प्लस टू एस ओके सो वी आर वी आर हैविंग थ्रू थ्री पोल्स वन वन पोल इज एट जीरो एंड टू अदर पोल्स आर एट नॉन जीरो वैल्यूज मीनस वन इज एड माइनस वन एंड थर्ड वन इज एड माइनस वन बाई टू ओके तो हमें इस क्वेश्चन का भी पोलर प्लॉट करना है, है ना तो पोलर प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या रहता है वी पुट एस इक्वर्स टू जे ओमेगा ओके और फिर एक नया ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं सो so, हमने यहाँ पे वही किया है एस की जगह पे जे ओमेगा पुट किया सो वी गेट दिस दिस एक्सप्रेशन ओके अब उसके बाद हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप है हमारा हमें फिर ये जो एक्सप्रेशन आया है, इसे हमें रेशनलाइज करना है ओके सो रेशनलाइज करने के लिए क्या है आपके पास देखिए एक जे ओमेगा है pole, है पोल एक जे ओमेगा एंड थर्ड वन इज वन प्लस टू जे ओमेगा ओके सो इन्हें रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा वन माइनस जे ओमेगा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है ओके okay. वैसे ही फिर जो सेकेंड थर्ड वाला पोल है वन प्लस टू जे ओमेगा हो तो जो थर्ड uh, पोल है plus omega, उसे रेशनलाइज करने के लिए क्या किससे मल्टीप्लाई करना है हमें दोनों ठीक है फिर आप बराबर आप calculation करेंगे विल गेट दिस एक्सप्रेशन है ना देखिए जब आप ये कैलकुलेशन uh, करेंगे ना तो यहाँ पे कुछ गलतियां हो सकती है तो इसलिए आपको क्या करने का वन बाय वन मल्टीप्लाई करने का मतलब जैसे वन माइनस जे ओमेगा मल्टीप्लाइड वन माइनस टू जे ओमेगा है ना सो so, आप क्या करिए पहले वन से ये मल्टीप्लाई करिए सो आपको क्या मिलेगा वन इंटू वन माइनस टू जे ओमेगा सो एज इट इज दैट सेम वैल्यू यू विल गेट है ना तो so, क्या मिलेगा वन माइनस जे टू ओमेगा ओके अब फिर ये वैल्यू से ये मल्टीप्लाई करना है सो so, यहाँ पे ध्यान रखने का माइनस जे ओमेगा इंटू वन क्या हो जाएगा माइनस जे ओमेगा ही रहेगा अब फिर माइनस जे ओमेगा इंटू माइनस टू जे ओमेगा ओके तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया बट यहाँ पे एक जे टर्म है एंड अगेन यू आर हैविंग वन जे टर्म सो जे इंटू जे क्या होता है माइनस होता है सो so, यहाँ पे आपको माइनस आ गया और टू ओमेगा स्क्वायर हो गया ऐसा ओके okay. सो so, uh, मेरे बताने का यही मतलब है कि आप वन बाय वन करिएगा सो ये ज़्यादा क्लियर होगा ठीक है नहीं तो फिर वो कन्फ्यूजन uh, हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए ओके okay. सो so, आप ये कैलकुलेट करेंगे ये सारा, तो आपको कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन मिलेगा ओके फिर हम क्या करते हैं इस एक्सप्रेशन से हम जो रियल वैल्यू रहती है न्यूमरेटर पार्ट में वो और जो डिनोमिनेटर पार्ट सॉरी न्यूमरेटर पार्ट की रियल वैल्यूज और न्यूमरेटर पार्ट की uh, जो इमेजनरी वैल्यू दोनों हम अलग अलग करते हैं ना तो ये वाला जो दिख रहा है दिस इज योर रियल वैल्यू सो रियल सॉरी एक चीज एक चीज मैं भूल गई नीचे में जे ओमेगा टर्म भी है है ना तो जे ओमेगा टर्म है इसे तो हमने रैशनलाइज नहीं किया है तो इसको जब हम रैशनलाइज करेंगे तो देखिए हुआ क्या ये वाला जो टर्म था आपका माइनस जे थ्री ओमेगा अपॉन दिस होल टर्म है ना सो so, जे जे और ओमेगा कैंसिल हो जाएगा है ना सो so, यहाँ पे आपको क्या बचेगा सिर्फ माइनस थ्री तो ये वाला जो टर्म आया ये फिर आपका रियल टर्म हो गया ओके और ये यहां से है ना इसको जब आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन जे होगा तो वन अपॉन जे क्या होता है माइनस जे होता है ओके सो ये आपका फिर इमेजनरी टर्म आ गया ओके और एक और चीज आपको मैंने बताया था कि हम इमेजनरी टर्म को जीरो को इक्वेट करके क्या वैल्यू निकालते हैं रियल एक्सिस पे जो क्रॉसिंग पॉइंट है वो फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम वेयर फ्रॉम दिस इमेजनरी टर्म है ना इमेजनरी टर्म को जब हम जीरो करेंगे तो हमको जो उमेगा की वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या बताती है रियल एक्सेस को कहाँ पे क्रॉस कर रहा है वो बताता है ठीक है और जब हम अः जब हम रियल वैल्यू को हम जब जीरो के इक्वेट करते हैं और वहां से जब ओमेगा की वैल्यू मिलती है तो वो क्या बताती है इमेजिनरी एक्सेस को कहां पे क्रॉस कर रहे हैं वो बताता है ओके okay. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं द फ्रिक्वेंसी एट विच पोलर प्लॉट क्रॉसेस दी रियल एक्सेस है ना रियल एक्सेस पे कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं वो निकालने के लिए क्या किया हमने ये टर्म को जीरो के इक्वेट कर दिया ओके okay. अब जीरो के इक्वेट कर दिया तो ये नीचे वाले टर्म को आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो जीरो हो जाएगा देन यू विल हैव दिस टर्म ओके अब इसे जब आपने इक्वेट किया तो आपको फिर यहाँ से क्या मिला ओमेगा इज टू अपॉन तो ये जो वैल्यू मिली आपको फ्रिक्वेंसी की ये आपकी कौन सी वैल्यू कहलाएगी ये आपका कहलाएगा द पॉइंट वेयर रियल एक्सिस ओके ठीक है तो आपको रियल एक्सिस में कहाँ पे क्रॉस कर रहे पोलर प्लॉट वो आपको फ्रिक्वेंसी uh, वो मिल गई नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड की उस uh, फ्रिक्वेंसी पे आपको मैग्नीट्यूड कितना मिल रहा है ओके okay? तो वो फ्रिक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड कितना मिल रहा है वो हम फाइंड आउट कैसे करते हैं फ्रिक्वेंसी uh, की जितनी वैल्यू आई है उस वैल्यू को हम जो आपका रियल uh, जो आपका ये रियल टर्म पार्ट है ना इसमें हम पुट करते हैं ओमेगा के जगह ओके फिर यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलता है एम्पलीट्यूड जो मिलता है वो आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है एट दैट क्रॉसिंग पॉइंट ओके रियल रियल एक्सिस क्रॉसिंग पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कहलाता है ओके सो देखिए ये ओमेगा की वैली जो आई थी वो हमने रियल वाल रियल टर्म जो था हमारे पास उसमें फिट किया हमने देन हमको ये मैग्नीट्यूड मिल गया ओके okay, तो ये मैग्नीट्यूड कौन सा मैग्नीट्यूड है जहाँ जि, जिस फ्रिक्वेंसी uh, पे आपका पोलर प्लॉट रियल एक्सिस को क्रॉस कर रहा है उस फ्रिक्वेंसी पे जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ये है ओके okay? ठीक है अब यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है हमें पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है ठीक है तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपको तीन पोल दिख रहे हैं है ना एक जीरो पे अवेलेबल है एक माइनस वन पे अवेलेबल है और एक माइनस वन बाई टू पे अवेलेबल है ओके अब उसके बाद हाँ और एक और चीज मिला है आपको रियल एक्सेस क्रॉसिंग मिला है मतलब रियल एक्सेस क्रॉसिंग पॉइंट मिला है मतलब यहाँ से इतना क्लियर है कि आपका जो पोलर प्लॉट आप जो ड्रॉ करेंगे वो पोलर प्लॉट आपके इमेजिनरी एक्सेस को तो कहीं भी क्रॉस नहीं करने वाला है वो ओके तो देखिए जब हम ये आ, अच्छा हाँ एक और चीज़ हमने कैलकुलेशन नहीं किया है मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा एट ओमेगा ओमेगाक्वल टू जीरो एंड एट ओमेगा टू इन्फिनी ओके

माइनस जीरो एंड जे जीरो मिलेगा रुको मैं बताती मैं कैसे आया ठीक है देखिए एट ओमेगा इसमें फिट करके देखिए ओके तो जब आप इसमें करेंगे तो वन, आ, अच्छा ये वाले टर्म पे फिट करिए वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना ये वाले में फिट करिए ठीक है थीके? तो देखिए आपको ओमेगा की वैल्यू जीरो पुट करनी है ठीक है ये वाले टर्म्स में देखिए वन प्लस जीरो वन हुआ Zero, हुआ मतलब नीचे में आपको वन मिलेगा फिर ओ, ओमेगा इक्वल टू जीरो पे जो इमेजिनरी वैल्यू है वो क्या है वो देखते हैं ठीक है थीके? तो देखो ये जीरो है तो समथिंग अपॉन जीरो मतलब इन्फिनिटी होता है तो इन्फिनिटी आ गया इसमें यहाँ पे ठीक है यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया तो कुछ भी वैल्यू हो समथिंग वैल्यू अपॉन जीरो मतलब इन्फिटी होगा सो फ्रॉम ईयर यू गेट दिस इन्फिनिटी वैल्यू अब ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिटी पे आपको क्या वैल्यूज आ रही है वो फिट करनी है तो देखिए यहाँ पे क्या है यहाँ पे तो ये देखिए माइनस थ्री अपॉन वन प्लस इंफिनिटी इन्फिनिटी मतलब क्या होता है इन्फिनिटी मतलब समथिंग बिग अमाउंट होता है ना तो वन प्लस कोई बिग अमाउंट के साथ वन को जब ऐड करोगे तो उतना कुछ डिफरेंस नहीं आता ना So, इसलिए क्या uh, some क्या होता है? Always infinity होता है 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 आपको फिर मिल मिल गया zero मिल गया, okay? गया तो यहाँ पे 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 अब इसमें करिए आप तो देखो ये अलग से निकला हुआ है सो यहाँ पे जब आप फिट करोगे ओमेगा एक टू इंफिनिटी देन यू विल गेट जीरो ओके okay? ओके okay. तो इन्फिनिटी पे आपको रियल और इमेजनरी दोनों वैल्यू जीरो मिल गई ठीक है ये दोनों ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओमेगा इक्व टू जीरो पे क्या वैल्यू आ रहा है और ओमेगा इक्व टू इंफिनिटी पे क्या आ रहा है ठीक है ओके okay. तो देखिए अब ये प्लॉटिंग करने के लिए क्या किया है हमने ओमेगा की वैल्यू एट जीरो ओमेगा एट जीरो और ओमेगा एट इंफिनिटी ठीक है दोनों में जो रियल और इमेजिनरी पार्ट आए हैं वो हमने ध्यान रखते हुए ये डायग्राम प्लॉट किया है ठीक है तो ओमेगा इक्व टू जीरो पे क्या क्या वैल्यू आया था माइनस थ्री आया था रियल पार्ट और जो इमेजनरी पार्ट था वो माइनस जे इन्फिनिटी आया था ओके okay, तो माइनस थ्री आया था मतलब ये आप इस प्लेन पे माइनस थ्री कहाँ आएगा ये वाला रियल प्लेन है रियल एक्सिस है तो ये वाला साइड क्या पॉजिटिव साइड है ये वाला नेगेटिव है सो समवेयर हियर एट माइनस थ्री है ना और जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना माइनस इन्फिनी है तो माइनस इन्फिनिटी है तो इसलिए कुछ डॉट 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 करके हमने यहाँ ले लिया मान लिया कि यहाँ पे जो इमेजनरी पार्ट है वो वैल्यू इन्फिनिटी है ठीक है तो ये आ गया ये फर्स्ट पॉइंट बन गया अब पॉइंट चाहिए एट ओमेगा टू इन्फिनिटी पे तो एट ओमेगा टू पे आपको क्या क्या वैल्यू मिल रही थी माइनस जीरो और प्लस जीरो मतलब रियल पार्ट आपका जीरो था और इमेजनरी पार्ट भी जीरो था ओके और एक और हाँ तो यहाँ कहीं भी आप पॉइंट कर दो जीरो जीरो मतलब ये ओरिजिन में ही आएगा ना ओके okay. फिर उसके बाद हमने हमें आगे हमने जब कैलकुलेशन किया था यहाँ पे तो वहां से हमें क्या पता चला था ये पॉइंट पता चला था फ्रीक्वेंसी मतलब पोलर प्लॉट कौन जो रियल एक्सिस पे जहां पे क्रॉस कर रहे हैं वो वाला फ्रीक्वेंसी हमें पता चला था तो वहां से पता चला था कि जो पोलर प्लॉट रहेगा वो रियल एक्सिस को कहीं ना कहीं पे कहीं ना कहीं पे क्या कर रहे हैं क्रॉस कर रहे है विच इज एट ओमेगा इसलिए फिर हमने कुछ इस तरह से इसे ड्रॉ किया और ऐसा ड्रॉ किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या है वो वन बाय रूट टू हो ओके फिर इस तरह से हमने ये ड्रॉ कर दिया ये अब फाइनल हो गया आपका ये पोलर पोलर प्लॉट प्लॉट तो polar plot जब न, तो जब करेंगे ना सबसे पहले हम ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करेंगे ओके और आई एम यहाँ पे जो लिखा आई एम आई एम फॉर इमेजिनरी आर ई फॉर रियल ठीक है और देखिए एंगल कैसे हमें इसमें एंगल कैसे पुट करना है हमें नॉर्मली आप क्या करते हो जीरो नाइनटी वन एट्टी टू सेवेंटी ऐसा करते हैं आप है ना बट यहाँ पे क्या करने का नेगेटिव एंगल्स लेना है मतलब जीरो ओके माइनस नाइन्टी तो माइनस नाइन्टी ये ये होगा ना माइनस नाइनटी ये हुआ वैसे ही माइनस वन एट्टी एंड माइनस टू सेवेंटी ये कंसेप्ट पता चला आपको माइनस नाइनटी टू माइनस टू सेवेंटी माइनस वन एट्टी का हमने इस तरह से क्यों लिखा है देखिए ये जीरो एंगल पे होता है ये नाइन्टी पे होता है ओके ये होता है वन एटी पे ओके एंड दिस वन इज फॉर टू सेवेंटी ओके और जब हाँ ठीक है अब नाइन्टी डिग्री को यू कैन ऑल्सो राइट नाइन्टी माइनस टू सेवन थ्री सिक्सटी तो नाइन्टी माइनस थ्री सिक्सटी कितना मिलता है माइनस टू सेवेंटी मिलता है ओके इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस टू सेवेंटी लिखा है वैसे ही 180 को आ, आप और कैसे लिख सकते हैं 180 एट्टी माइनस थ्री सिक्सटी विच विल गिव माइनस वन एट्टी सो इसलिए ये माइनस वन एट्टी लिखा है यहाँ पे और फिर 270 को यू कैन ऑल्सो राइट 270 सेवेंटी माइनस थ्री सिक्सटी ओके विच विल गिव माइनस नाइनटी तो इसलिए ये माइनस नाइनटी लिखा है वो तो एक्चुअली ये कंसेप्ट यूज किया नेगेटिव एंगल वाला कंसेप्ट यूज करने का यहाँ पे ठीक है पॉजिटिव एंगल्स नहीं आप करेंगे पोलर प्लॉट में निगेटिव एंगल्स के बेसड हम ड्रॉ करते हैं प्लॉट करते हैं ओके सो इज दिस क्लियर दिस पोलर प्लॉट एनी डाउट ओवर नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वन ओके यहाँ पे भी सेम आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है जीएस का अगेन यू वी हैव टू प्लॉट पोलर प्लॉट ठीक है तो यहाँ पे हमें हम जब हमें जब ये एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो हम किस क्या क्या चीज ध्यान में रखते हैं उसमें कि कितने जीरो हैं कितने पोल्स हैं ओके तो यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है आपको चार पोल दिया है जिसमें से दो पोल जो है वो जीरो पे अवेलेबल है एंड थर्ड पोलिज एक्ट माइनस वन एंड द फोर्थ पोलिजैक्ट माइनस वन बाय टू ओके ठीक है नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है एस को हम जे ओमेगा uh, में रिप्लेस करके हम एक नया एक्सप्रेशन निकालते हैं सो so, ये हमने कर दिया है फिर उसके बाद हमें क्या करना है हमें रेशनलाइज करना है ठीक है तो यहाँ पे रेशनलाइज करने के लिए क्या करने का देखिए वन प्लस जे ओमेगा सो वन माइनस जे ओमेगा से न्यूमरेटेड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करूंगी वैसे ही फिर वन प्लस टू जे ओमेगा सो सेम वन माइनस टू जे ओमेगा से न्यूमरेटेड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करूंगी ठीक है और ये आपका जो जे ओमेगा का स्क्वायर दो जे जे का स्क्वायर क्या होता है माइनस वन होता है सो माइनस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया ये ठीक है ओके नाउ ये यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा सो प्रैक्टिस करेंगे आप तो इट विल बी ईजी ठीक है क्योंकि जब जे टर्म्स रहते कॉम्प्लेक्स वाली सो आई कैन अंडरस्टैंड वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ठीक है सो आपको प्रैक्टिस करेंगे ना तो ईजिली वो हो जाएगा ठीक है जल्दी हो जाएगा वो आपसे ठीक है सो आपको ये आपने ये एक्सप्रेशन निकाल लिया यहाँ तक अच्छा अब इसके बाद हम क्या करते हैं इसके बाद फिर हम जो रियल वैल्यूज हैं और जो इमेजनरी टर्म्स हैं दोनों अलग करते हैं ठीक है तो ये रियल टर्म अलग किया इमेजनरी टर्म अलग किया ठीक है फिर उसके बाद हमें निकालना है ओमेगा एक जीरो पे रियल और इमेजनरी वैल्यू क्या आ रही है और ओमेगा इक्वस टू इन्फिनेटी पे रियल और इमेजनरी वैल्यू क्या आ रही है वो हमें फाइंड आउट करना है ओके सो so, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ओमेगा टू जीरो है सो so हम इसमें फीड करेंगे ओमेगा टू जीरो, तो यहाँ पे फीड किया तो समथिंग अपॉन जीरो आ गया हाँ साइन का भी ध्यान रखना है हमें हाँ इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी uh, भी आ रहा है माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी दोनों में बहुत डिफरेंस होता है ठीक है तो वो चीज हम ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे साइन बस सामने माइनस साइन था सो वी गेट माइनस थाटी यहाँ पे हमें प्लस इंफिनिटी मिला ठीक है वैसे ही ओमेगा इक्स टू तो इन्फ्यूनिटी पे फिर आ, ये कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा जीरो और ये कैलकुलेट करने के बाद भी जीरो ओके okay, सो so दोनों वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव आए अच्छा ये जीरो कैसे आया देखो देखिए जब हमें किसी एक्सप्रेशन पे जब इन्फिनिटी पुट करना रहता है ना तो हम क्या करते हैं जिस वैल्यू जिस पे इनफिनिटी वैल्यू फीड करनी रहती है वो वैल्यू हम बाहर कॉमन निकालते हैं जैसे यहाँ पे ओमेगा पे करना है तो यहाँ पे क्या हम ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकालेंगे ठीक है तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर में जब कॉमन निकालूंगी तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस टू ठीक है ये वाले पार्ट को देखिए वैसे ही फिर यहाँ पे ऑलरेडी ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है तो वो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा फिर आगे जब आप ये यहां से भी निकालना पड़ेगा आपको ओमेगा स्क्वायर तो आपको फिर जीरो वैल्यू मिलेगा ठीक है ओके अब ये जो रियल टर्म है ठीक है रियल टर्म को हम जीरो के इक्वेट करेंगे और जो ओमेगा की वैल्यू मिलेगी वहां से हमें वो कौन सी फ्रिक्वेंसी मिलेगी फ्रिक्वेंसी व्हिच आपका जो पोलर uh, प्लॉट है वो इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस कर रहा है वो वाला फ्रिक्वेंसी uh, का वैल्यू मिलेगा ठीक है इमेजिनरी एक्सिस को जहाँ पे क्रॉस कर रहा है वो मिलेगा ठीक है फिर हम क्या करते हैं वो फ्रिक्वेंसी वो, वो, uh, की वैल्यू को हम जैसे इमेजनरी पार्ट को क्रॉस करने वाला ना ये फ्रिक्वेंसी तो इमेजनरी टर्म पे हम पुट करते हैं और फिर वहाँ से हम उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं ठीक है तो यहाँ पे वही किया फिर हमें ये मैग्नीट्यूड मिला ओके अब बारी आती है प्लॉट करने की तो देखिए प्लॉट करने के लिए आपको यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है उस पर ओमेगा इक्वल टू जीरो पे वैल्यू क्या है वो बताइए ओमेगा ओमेगा की वेल, ओमेगा एट जीरो पे आपको माइनस इनफिनिटी एंड प्लस इनफिनिटी मिल रहा है ठीक है तो आ, ये देखिए यहाँ कहीं पे यू विल गेट माइनस इनफिनिटी एंड प्लस इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी किसके लिए माइनस इनफिनिटी आपके रियल वैल्यू रियल पार्ट के लिए और प्लस इनफिनिटी किसके लिए आपके इमेजिनरी पार्ट के लिए ठीक है तो इट शुड बी हियर एक्चुअली बिकॉज प्लस इन्फिटी है ना तो इधर कहीं पे होना था बट इन्होंने यहाँ पे यहाँ से ड्रॉ किया है मतलब ये क्या ऐसा कुछ होना था ऐसा क्योंकि प्लस इन्फिनिटी आ रहा है ना इमेजनरी वैल्यू भी उसके बाद फिर क्रॉसिंग फ्रिक्वेंसी हमें पता है ये और वहाँ पे उस आ, फ्रिक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड भी पता है सो हम फिर यहाँ पे क्या किया हमने शुरू यहाँ से किया अपना रूट पोलर प्लॉट फिर वो फ्रिक्वेंसी को क्रॉस करते हुए फिर जीरो जीरो में आएगा क्योंकि एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी आपको जीरो जीरो वैल्यू मिल रही थी ठीक है जीरो फॉर रियल एंड जीरो फॉर इमेजनरी तो इस तरह से आपका ये वाला पोलर प्लॉट फॉर्म होगा ओके